रामा कृष्णा, हमने ऐसा कार्य कभी किया नहीं है ना। तो करेंगे करेंगे। भाई ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो मनुष्य जीवन में प्रथम बार संपन्न करता है, हम भी करेंगे। करेंगे। महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रश्न का उत्तर मिले। सब हो जाएगा पंडित रामकृष्ण, सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। आपको पता नहीं है आज प्रातः काल ही हमारे गुरुजी ने बादाम का हलवा खाया है। आपको ये भी नहीं पता है हमारे गुरुजी के बाजुओं में कितनी शक्ति है। अच्छा पंडित रामकृष्ण, यदि हम आपको पालकी और चार तारों के साथ आने का आदेश दे तो चलेगा? गुरुवर, यदि मैं मेरी जगह गुंडप्पे को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भेज दूं तो चलेगा? तो बच्चा है, ये क्या उत्तर देगा, ये इसका कार्य नहीं है। सत्य वचन गुरुदेव, जिसका जो कार्य होता है उसे ही करना पड़ता है गुरुदेव। ये नहीं चलेगा। गुरुजी, ये कार्य भी संपन्न कर लीजिए। गुरुजी आप ही का तो कथन है। गुरुजी लड़की आपत्ति के समय गधे के भी पैर पकड़ कर उसे पिता तुल्य आदर देना चाहिए। जैसा हमने आपके पैर पकड़ रखे हैं गुरुजी, मान जाइए। गुरुजी नहीं चलेगा, परंतु चलाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, आदरणीय पंडित रामकृष्णा जी जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। आप सभी आदरणीय पंडित रामकृष्णा जी को पालकी में बिठा कर उठाने के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु गुरुवर, इस कार्य के अतिरिक्त जो अन्य कार्य भी हैं, वो भी आपको स्मरण है ना? क्या पंडित रामकृष्ण, कुछ अधिक तो नहीं हो गया? ऐसा क्या? आप प्रस्थान कीजिए, आप जो बोलेंगे ये सब कुछ करेंगे। जी। विजय नगर में प्रिय है एक नाम, विजय नगर में प्रिय है एक नाम, आज सबके बिगड़े काम बनाते सबके बिगड़े काम। कौन है वो? कौन 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 है वो? कौन कौन वो? रामा कृष्णा, वो रामा कृष्ण, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। आचार्य, अरे ठीक से गाइए, अगर पंडित रामकृष्ण को पता चल गया तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। हे भगवान, बोलो रामा कृष्णा, बोलो रामा कृष्णा, बोलो रामा कृष्णा। हे भगवान, पीड़ा से हमारा शरीर टूटा जा रहा है। गुरुजी नैया पल की पार लगाएगी, कहीं गुरुजी के जीवन की नैया ना पार लग जाए। हमारे गुरुजी को इतना भारी बोझ उठाने की आदत नहीं है ना, बुढ़े हो गए। आचार्य, पालकी उठाए रखिए, अन्यथा रामा कृष्णा का मन बदल जाएगा। गुरुवर, पालकी उठा रहे हैं। महाराज की जय हो। इनसे पालकी उठवाने का दुस्साहस किसने किया? युवक, वो पालकी देख रहे हैं आप? उस पालकी में जो भी व्यक्ति बैठा है उसे उसके दुस्साहस का दंड मिलना चाहिए। जाइए उसे उस पालकी से उतारिए और उसे इतना मारिए, इतना मारिए कि आज के पश्चात वो कभी किसी पालकी में बैठने के योग्य ना रहे। जाइए। जो आज्ञा हो महाराज। हे मां काली, रक्षा करना। अभी कौन सा संकट है जो माँ काली को स्मरण कर रहा है? बंधु, संकट वहाँ ऊपर वातायन पर है। महाराज ने गुरुवर को मेरी पालकी उठाते हुए देख लिया है, अब तो वो शिखा पकड़ के मारेंगे। रामा, तेरा हर दंड मुझसे ही क्यों प्रारंभ होता है? चुप कर, वाताला बनकर पालकी से उतरना होगा। गुरुवर, गुरुवर, पालकी रोके, पालकी रोके। अरे मर गए, मर गए। गुरुवर, क्या है? बैठिए। कहाँ बैठिए? पालकी में गुरुवर, और कहाँ? अब पालकी मैं उठाऊंगा। पंडित रामकृष्ण, क्यों उपहास कर रहे हो हमारे साथ? गुरुवर, मेरा मुख देखिए, कितना गंभीर हूँ मैं। आप महान हैं, महापुरुष हैं, महाज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, तो आप जैसे महापुरुष को पालकी में बैठना चाहिए और मुझ जैसे तुच्छ और सामान्य मनुष्य को पालकी उठानी चाहिए। अतः पालकी मैं उठाऊंगा। बैठ जाए। हाँ, अवश्य।
भगवान, हे भगवान। रुकिए रुकिए, पालकी उठाना मत। इसी में है वो जिसे महाराज ने दंड देने का आदेश दिया है। मारो। रुकिए रुकिए रुकिए, मत मारिए। महाराज ने इसे दंड देने का आदेश दिया है, हम उनकी आज्ञा टाल नहीं सकते। हमें मारोगे, हमें मारोगे? जानते हो कौन है हम? गुरुदेव आप क्षमा कीजिए। गुरुदेव मूर्ख, चलो आप सब पालकी उठाओ। क्षमा कीजिए पंडित जी, आप दरबार से निष्कासित हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। लेकिन हम तो निष्कासित नहीं है ना, हम राजपुरोहित तथाचार्य आज्ञा दे रहे हैं। उठाइए पालकी। जी गुरुवर। बैठिए जी। उठाइए। रुकिए, मैं राज दरबार में प्रवेश नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो पंडित रामकृष्ण? शांत गुरुवर शांत, कदापि आप भूल रहे हैं कि मेरा निष्कासन आप ही ने करवाया है। अब यदि मैं भीतर गया तो महाराज की आज्ञा का उल्लंघन होगा ना। हे भगवान। रुकिए, हम अभी आते हैं। प्रणाम आचार्य। महाराज की जय। क्या हुआ गुरुवर, आप इस अवस्था में? हुआ क्या है गुरुवर, आप अस्त व्यस्त लग रहे हैं। नहीं कुछ विशेष नहीं महाराज, वो थोड़ी पीड़ा है कमर में। सत्य बताए गुरुवर, आपसे पालकी उठवाने का दुस्साहस किसने किया? पालकी? किसने उठाई पालकी? हमने नहीं उठाई पालकी। महाराज ये अवश्य समझने में भूल हुई, हम तो पालकी के अंदर बैठे थे। हमें प्रतीत हुआ कि पालकी गुरुवर ने उठाई थी। हमारा आपसे एक निवेदन है महाराज। कहिए। निवेदन ये है महाराज के पंडित रामाकृष्णा पर दरबार से निष्कासन का आदेश निरस्त कर दिया जाए। उन्हें उनके अपराध का दंड पर्याप्त मिल चुका है महाराज, अब उन्हें दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मिल जानी चाहिए महाराज। नहीं, हम पंडित रामकृष्ण को भीतर आने की अनुमति नहीं देंगे। महाराज, महाराज पंडित रामकृष्ण ने अनेक अवसरों पर इस राज दरबार की समस्याओं का समाधान किया है, तो एक अवसर तो उन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए महाराज। जी, और आपके प्रश्न का उत्तर भी वही देंगे। अर्थात? हमारा तात्पर्य है महाराज कि आप तो प्रवृत्ति से दयालु हैं, आपने सदैव क्षमा करने की मंशा रखी है, तो पंडित रामकृष्ण को भी क्षमा कर ही दीजिए महाराज। ठीक है गुरुवर, यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं, इतनी अनुशंसा कर रहे हैं, तो हम पंडित रामकृष्ण को दरबार में आने की अनुमति दे देते हैं महाराज। देखते हैं हम भी क्या वो हमारे प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। जी महाराज। मंत्रीवर। महाराज। पंडित रामकृष्ण को प्रस्तुत किया जाए। महाराज, पंडित रामकृष्ण आपके समक्ष एक विशेष ढंग से उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें उपस्थित होने की अनुमति दी जाए महाराज। वो जैसे भी आना चाहते हैं उनको आने की अनुमति है, हमें बस हमारे प्रश्न का उत्तर चाहिए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, हमने महाराज से अनुरोध करके दरबार से आपका निष्कासन निरस्त करवा दिया है, अब चलिए अंदर और महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, आपने कह तो दिया गुरुवर, परंतु मुझे विश्वास नहीं, मैं कैसे मान लूं कि महाराज ने मेरा निष्कासन निरस्त कर दिया है। हे भगवान, क्या आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है? गुरु जी, आप पर तो आपको स्वयं विश्वास नहीं है, किसी और को भला क्या होगा। पंडित रामकृष्ण, आप दरबार में प्रवेश कर सकते हैं, महाराज ने आपका निष्कासन निरस्त कर दिया है। अरे वाह, धन्यवाद मंत्रीवर, बड़ी प्रसन्नता हुई। चलिए अब पालकी उठाइए, अब मैं दरबार में अवश्य जाऊंगा। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण
प्रपंच है। प्रपंच नहीं है महाराज, ये तो इन सभी का प्रेम है, सम्मान दे रहे हैं मुझे। आप यहाँ हमारे प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं या हमारे साथ परिहास करने आए हैं, हमारा अपमान करने आए हैं? महाराज, मैं यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर ही दे रहा हूँ। तो ये कैसा उत्तर हुआ? हम कुछ समझे नहीं पंडित रामकृष्णा, बात को स्पष्ट कीजिए, उत्तर दीजिए हमारा कि कौन है इनमें से वास्तविक अपराधी। महाराज, अपराधी आप हैं। आप पंडित रामकृष्णा, हमारे संयम की परीक्षा मत लीजिए। आपको ज्ञात है कि आप क्या कह रहे हैं? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु इस दरबार में आपके सहित जितने भी सभासद उपस्थित हैं, सभी अपराधी हैं, या यूं कहूं तो कोई भी अपराधी नहीं। इसे राज दरबार में लाकर उचित ही किया हमने, अब इसे निष्कासन नहीं, प्राण दंड मिलेगा। अपना कथन सिद्ध कीजिए पंडित रामकृष्णा। महाराज, अपराधी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं के कारण ही मनुष्य सब करता है, आवश्यकता के कारण ही मनुष्य एक गधे को पिता तुल्य सम्मान देता है, और ये मैंने अभी सिद्ध कर दिया। कैसे? महाराज, आपने अभी देखा कि आवश्यकता थी तो मुझे पालकी में बिठाकर मेरा गुणगान करते करते मुझे राज्यसभा में लाया गया है, मेरा स्वागत सत्कार किया गया, अभिवादन किया गया। उसी प्रकार आपको अनुष्ठान में पुष्पों की आवश्यकता थी, रमन्ना को पुष्प वाली सावित्री की, सावित्री को निद्रा की, सरला को बैलगाड़ी वाले चंद्रैया की, चंद्रैया को अपने पुत्र के समीप रहने की, चंद्रैया की पत्नी को अपने मायके जाने की। अतः इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण ही ये सब हुआ। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी आपकी पंडित रामकृष्णा? आपके प्रति भक्ति और इस राज्य के प्रति कर्तव्य। इसी वजह से मैं निष्कासित होने के पश्चात भी राज दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज, ये तो सर्वविदित है कि प्राचीन काल से आज तक हम आवश्यकताओं के कारण ही उन्नति कर पाए हैं। पंडित रामकृष्णा, अभी आप कह रहे थे कि आवश्यकता ही अपराधी है, और अब आप कह रहे हैं कि आवश्यकता के कारण ही उन्नति हुई। जी गुरुवर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। पहले मनुष्य पैदल चला करता था, फिर उसने बैलगाड़ियों और रथों का निर्माण किया, वनों में रहता था, फिर उसने सुरक्षा और विलासिता के लिए महलों और घरों का आविष्कार किया। कितनी शीतलता है यहाँ, इससे मुक्ति पाने के लिए इन वस्त्रों का निर्माण किया गया, महल को उष्म रखने के लिए आग जलाने का विचार आया। ये सब आवश्यकता की ही तो उपज है, और यही आवश्यकताएं दोषी भी हैं। तो यदि ये आवश्यकताएं दोषी नहीं, तो यहां उपस्थित कोई भी दोषी नहीं, और यही आपके प्रश्नों का उत्तर है महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत, हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वाह पंडित रामकृष्णा, आपने बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर दिया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह वाह। परंतु महाराज, कथनी और करनी में तो अंतर होता है। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर? महाराज, यदि आवश्यकता ही सब कुछ है तो संसार में कोई किसी का हितैषी नहीं, बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं। कटु है परंतु सत्य तो यही है गुरुवर। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि आवश्यकता और विवशता के कारण इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं पंडित रामकृष्णा, कुछ भी कर सकता है? मैं भी एक बार फिर से कह रहा हूं गुरुवर, कुछ भी कर सकता है। अर्थात इस शीत ऋतु में मात्र एक छोटी में नदी के शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा हो सकता है।
वो भी बिना किसी सहारे के। यदि उसकी आवश्यकता और व्यवस्था अधिक होगी तो अवश्य खड़ा रहेगा। पंडित रामकृष्णा, क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं? हम गुरुवर के कथन से सहमत हैं। पंडित रामकृष्णा, आप अपनी बात सिद्ध करके बताइए। अवश्य महाराज, आप 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार घोषित कर दीजिए। जिसकी भी आवश्यकता और व्यवस्था होगी वो इस विषम कार्य को अवश्य करेगा। अनुमति है। सुनो 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 समस्त विजयनगर वासियों, सुनो, इस शीत ऋतु में जो भी नगर निवासी मात्र एक वस्त्र धारण करके नदी के शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा रहेगा, महाराज कृष्णदेव राय उसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देंगे। शीतल लहर चल रही है, कोई मूर्खी होगा जो पूर्ण रात्रि शीतल जल में खड़ा रहेगा। 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार है। अरे जीवित ही नहीं रहेंगे तो स्वर्ण मुद्राओं का क्या करेंगे? सत्य कह रही हो, संभव ही नहीं। शीतल जल में एक पहर कोई खड़ा नहीं रह सकता, पूरी रात क्या रहेगा? अम्मा, कहाँ जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो तुम? क्या? जब से राज्य की ओर से की गई घोषणा सुनी है तब से अम्मा हट कर रही है कि किसी नदी के शीतल जल में जाकर पूरी रात्रि खड़ी रहेंगे और 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। आप बात कर रही हो अम्मा, पागल हो गई हो क्या? इतना अच्छा अवसर कौन हाथ से जाने देता है? अम्मा, बढ़िया है कि अवसर ही हाथ से जाने दो, अन्यथा जान हाथ से चली जाएगी। क्यों अपने प्राण संकट में डालना चाहती हो तुम? मुझे कुछ नहीं होगा। होने को अब शेष बचा क्या है? और तुम्हें कमाने की क्या आवश्यकता है? मैं हूँ ना। तू है, इसीलिए तो ये सब करना पड़ा है। वृद्धा अवस्था की सुरक्षा के लिए। तेरा क्या भरोसा? तू तो कभी दरबार से निष्कासित हो जाता है, कभी कारावास में बंद कर दिया जाता है और कभी तुझे फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। जाने दो, 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं बहुत काम आएगी। मैं उनसे कितनी घंटियां लूंगा। कितनी घंटियां लूंगा? वाह वाह, चुप चुप, बढ़ाया घंटियां लेने वाला। शारदा, एक काम करो, शीतल बर्फीला जल स्नान घर में तैयार करो। अम्मा अभी इसी समय स्नान करेंगी, ठीक है अम्मा? नालायक, अरे तू मुझे जीते की मानो चाहता है। अरे अम्मा, अरे अम्मा, रुको 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 रुको, वाह 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 वाह, अभी तुम्हें शीतल जल से स्नान भी नहीं करना और यहाँ रात भर नदी के शीतल जल में खड़ी रहोगे तुम, हाँ? वो भी इस शरद ऋतु में। अम्मा, तुम्हारी बची कुची हड्डियां भी गल जाएंगी शीतलता के कारण, ऐसे बर्फ की मूरत बनकर घर लौटोगी तुम। और फिर 10 सहस्त्र मुद्राओं का क्या करोगी? बोलो बोलो बोलो।